कितने अरसे बाद या आपको स्किन टाइटनिंग, हाइफू या हाइड्रोफेशियल की जरूरत पड़ती है? जो स्किन टाइटनिंग है हाइफू की, अगर तो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स आप कर रहे हैं, जैसे हमारे इस वक्त पेशेंट है, इनकी एज के तकरीबन इनको 3 to 4 सेशंस चाहिए और उसके बाद 2 साल तक इनको कोई स्किन टाइटनिंग करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। अगर तो प्रॉपरली ये प्रोसीजर हो रहा है ठीक है। ऐसे काम को तकरीबन 60 to 80 मिनट्स लगते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि एज आप देखें चेहरा काफी बड़ा है और ऊपर से हर स्किन लाइन को टैकल करने में भी टाइम लगता है। ये 10-20 मिनट का प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता। ठीक हो गया। सही। और हाइड्रोफेशियल की बात की जाए तो ये कितने अरसे बाद आपको रिक्वायर्ड होते हैं? यूजली मैं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स लॉट ऑफ डर्ट, एग्जैक्ट, चाहे आप गाड़ी में हो, रिक्शे पे हो या मोटरसाइकिल पे हो, हर तरफ से आपको काफी डर्ट। महीने में मैं कहती हूँ वंस अ मंथ आके इसको करें, क्योंकि एवरीबॉडी एजेस, राइट? तो यू वांट टू एज विद अ ग्लो। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से अब तो लोग नेचुरल ग्लो की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मेकअप और ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरत भी होती है, लेकिन एट द एंड नेचुरल जो स्किन है वो अगर ग्लोइंग हो आपकी, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। नहीं देखें, वो सीधी सी बात है, सिंस मैं अब्रॉड में बड़ी हुई हूँ, माय डैड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टिल इज, बट ही इज़ अ वेरी लविंग मैन, तो उन्होंने कभी मेकअप नहीं लगाने दिया। Not till I graduated high school and college, makeup कोई उन्हें नहीं लगाने दिया, तो अब मुझे ज़्यादा makeup की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। You are not alone in that way. मेरी तो अब मजबूरी है कि मुझे TV पे आना है। मेरे फादर इस मामले में खुद बहुत ज़्यादा थे कि makeup बिल्कुल अलाउ नहीं था हम लोगों को, हम बहनों को, लेकिन एट द एंड अब चूंकि टाइम की और हमारी जॉब की एक नोयत है, अदरवाइज ये सारा मामला रहता है। और फिर हमारी स्किन, मेरी स्किन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है काफ़ी हद तक, लेकिन मुझे जिस तरह से मैं ओपन पोस्ट की बात करती थी, मुझे इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि आपका मेकअप रिमूव सही से नहीं हुआ है, कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं। क्लेंजिंग भी नादिया हम जानना चाहेंगे, कितने अरसे बाद आप, मतलब रोज़ तो करनी चाहिए लेकिन डीप क्लेंजिंग भी होती है जो आप प्रॉपरली किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो किस तरह से होनी चाहिए? वो वही जो हमारी हाइड्रोफेशियल है ना, वो डीप क्लेंजिंग कर रही है। अगर आप देखें इस वक्त पेशेंट को जो वो डर्माब्रेशन यूज कर रहे हैं ना, उस सारा उसमें से जो है वो डीप क्लेंसिंग ही हो रही है। इनकी स्किन जरूर रेड होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये है कि वो उसका पता चल जाता है कि यस इज डीप क्लेंसिंग। तो अच्छा, वो देख रहे हैं। नादिया सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो लाइंस मार्किंग की है ये बेसिकली क्या है? ये इसलिए हम लोग मार्क करते हैं कि जो टेक्नीशियन है उसको पता होता है कि मैंने कहाँ कहाँ हिट किया है। तो जान जाए हिट करते हैं वो लाइन थोड़ी सी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है, तो वो उसको फिर पता होगा कि वो कोई मिस नहीं करेगी। प्लस वो पेशेंट से पूछेंगी कि अगर आपको ये बर्दाश्त हो रहा है, कुछ पेशेंट्स आर वेरी पेन टॉलरेंट एंड सम आर वेरी सेंसिटिव, तो हमारे पास जो कार्ट्रिजेस हैं दे आर डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है। तो अगर क्लाइंट कहते हैं कि नहीं ये मुझे बहुत बॉदर कर रहा है, हम उसकी वेवलेंथ भी चेंज कर सकते हैं, सही, कि वो कंफर्टेबली बैठ के 60 मिनट्स के लिए उसको एंजॉय कर सके। लवली। और इससे मेरे ख्याल से एक रिलैक्सिंग सी फील भी आती है आपको, जब आपकी स्किन टाइटनिंग भी हो जाए या फेशियल भी हो जाए, क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग भी हो जाए तभी। अच्छा नादिया, यहाँ पर इस तरह का कैसा रिस्पॉन्स आपको देखते हैं? क्योंकि नॉर्मली हमारे लोग जो है ना, वो सिर्फ सैलून्स पे जाना पसंद करते हैं, कुछ फेशियल्स करा लिए। इस तरह के ट्रीटमेंट्स कितने ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर आपको देखने को मिले? यहाँ पे मैं काफ़ी क्लिनिक्स खुले हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी लोग कर भी रहे, तो मैं किसी का नाम या नहीं लूँगी कि उनको डिस्करेज नहीं करूँगी, आप ना जाएँ, हर कोई यहाँ पे कोशिश कर रहा है। लेकिन वेलवेट स्किन केयर क्योंकि एक ब्रांड न्यू क्लिनिक है, इट्स USA से आई है, तो इसका प्रोटोकॉल इज़ टोटली डिफरेंट। इसका प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग, ओके? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कस्टमर इंजॉय कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है और उनका रिजल्ट कैसा हो रहा है। तो ये हाइड्रो जो वो कर रही हैं, ये आप देखेंगी कि इट्स पता चल जाएगा। आप सुन भी रही हैं कि क्लाइंट कह रहा है कि उनको महसूस हो रहा है। अच्छा ये क्या कर रही हैं? ये क्या इस मशीन से इनके फेस पे जब मार्किंग के बाद जो इनका प्रोसीजर है, ये जो दूसरे, ये एक तो हाइड्रोफेशियल हो रहा है और एक ये जो हाइफू हो रहा है, इसके हवाले से नादिया हमें बताएं।
हाइफू इस वक्त क्या कर रहा है, इसमें जो होते हैं इसमें शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये उस सेल को टारगेट करते हैं जो हमारी सेल जो लिफ्टिंग उसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इस वक्त क्या कर रहा है, ये उसको शॉर्ट करके, तो उसको बेसिकली मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, अंगूर ले लें, हाँ, ठीक है। अंगूर जब ड्राई हो जाता है तो कैसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर अंगूर जब फ्रेश होता है अगर आप उसको इंजेक्ट करें, रिहाइड्रेट करें, हाँ, तो वो फिर फूल जाता है, जाता है। स्किन भी हमारी ऐसी है, हाँ। तो ये अब क्या कर रहा है, ये उसके अंदर एक इंजेक्ट कर रहा है सेल के अंदर कि उसको वापस फुला दे और रिहाइड्रेट कर दे, और उसका आपको पता चलेगा कि स्किन जो है हल्की सी रेडिश हो जाती है, बेसिकली आपके ब्लड वेसल्स आर कमिंग बैक टू द स्किन, ठीक हो गया। तो अच्छा मुझे नाजी ये भी बताएं कि इसकी जो पोस्ट केयर होती है, मतलब हाइड्रोफेशियल या हाइफो, इसकी फर्दर केयर क्या होगी अगर आपने एक बार करा लिया तो? इसकी ये केयर होती है जो मैं काफ़ी लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि कोई चेहरे पे ड्राई सोप ना यूज़ करें, ठीक है। फेस वॉश आजकल यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, ठीक है। फेस वॉश वो यूज़ करें जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं या जिनको हम लोग बीन्स कहते हैं, न्यूट्रोजीना के प्रोडक्ट्स हो गए, वो फेस वॉश एवरी नाइट करें। और दूसरा ये यहाँ पे आजकल क्योंकि लेडीज आर वेरी कॉशियस, उन्होंने आजकल वो वेट पैड्स भी रखे हैं, मेकअप रिमूवर एंड एवरीथिंग, तो वो मेरी रिकमेंडेशन होंगी कि एवरी नाइट, देखें हम लोग सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर 10 मिनट हम अपने चेहरे के लिए भी निकाल लें तो वो हमें लॉन्ग लास्ट करेगा, तो एवरी नाइट फेस फेशियल से वो वाइप से साफ करें, उसके बाद फेस वॉश और जो भी आपकी पॉन्ड्स की होगी, निविया की होगी, वो एवरी नाइट क्रीम लगा के आप स्वयं के चेहरे को मॉइस्चर मिलता रहे, ठीक हो गया। अच्छा ये हाइड्रोफेशियल में आप क्या प्रोसीजर चल रहा है इस बारे से एक्सप्लेन करें नादिया। ये अब क्या, जब इन्होंने वो अपना सक्शन कर लिया, अब ये यूज़ कर रही हैं द हैमर, अब ये इसको ना बेसिकली हीट पहुँचाएगा, ठीक है, कि सेल्स को ये और खोले, ठीक है। उसके बाद एक होल्ड हैमर है जो ये अप्लाई करेंगी कि जिससे सेल्स काम डाउन हो जाएंगे फिर से, ठीक है, और फिर ये फाइनल जो है उस पर सीरम लगाएंगी, अभी ये जो है सेल को रिजुविनेट कर रहे हैं, ठीक हो गया, लवली लवली। अच्छा नादिया समटाइम्स पेशेंट्स की स्किन बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स भी होती है क्योंकि क्रीम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है या ब्लीचेज, इस तरह की चीज़ें भी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको डील करना समटाइम्स बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा, कैसे आप लोग उसको करते हैं? उसको मैं इस तरीके से करती हूँ क्योंकि मुझे खुद बड़ा पैशन है स्किन के साथ, मेरी बेटियाँ सब कुछ, आई कीप देम अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टफ, उनको मैं बहुत एक प्रॉपर केयर दी हुई है। तो ब्लीच जो है, अब आप ये ब्लीच को आप ऐसे दिमाग में रखें कि जैसे आपने अपने पोर्स को इरिटेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप अपनी स्किन भी ऊपर से मेरे ख्याल से क्लियर ही जला रहे हैं, जला रहे हैं। और आजकल जो भी ब्लीचेस आ रहे हैं, पहले तो जोलिन आया था, ठीक है, उसके बाद अब इतने ब्लीचेस आए हुए हैं कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए उनकी स्किन भी जली हुई है, ऐसा ही होता है, ठीक है, और वो इतनी डीपली जली हुई है कि जैसे वो कहते हैं कि बस एक दफ़ा ही ब्लीच लगाया तो मेरी स्किन ख़राब हो, तो उसके लिए भी हमारे पास है, उसको हम कहते हैं कार्बन पीलिंग, वो मेरी लेज़र मशीन है, वो भी अगेन टॉप ऑफ द लाइन, किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसको भी वो रिजॉल्व करता है। अच्छा ना ये समझ, मैंने देखा लोगों में अब चूंकि अवेयरनेस भी अपनी स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी लोगों में जो वो एक गोरा होना है ना, वो उसका ट्रेंड यहाँ पर नहीं, मैंने पाकिस्तान में देखा हर एक को गोरा ही होना है, मतलब कोई अपनी स्किन टोन में अच्छा नहीं लगना चाह रहा। मैं बहुत बार डिस्कशन करती हूँ कि जो स्किन वाइटनिंग फेशियल्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो किस तरह से लोगों को उनको कन्विंस करना है कि भाई आप अपनी स्किन में खूबसूरत लगें, इसको ग्लोइंग बनाएं, बड़ा मुश्किल है। देखिए मैं आपको टिप देती हूँ इसके बारे में भी, और ये पब्लिक के लिए है, आप अपनी स्किन में अगर खुश नहीं है तो फिर वाइटनिंग से भी आप खुश नहीं हो सकते, ठीक है, उसका भी वाइटनिंग लोग करवाते हैं और समटाइम वो कहते हैं कि जी आई डोंट केयर, जो मर्जी मेरे साथ होता है आप करें। तो नादिया ये क्या इफेक्टिव होता है वाइटनिंग? अगर आपके पास प्रॉपर इंजेक्शंस है और प्रॉपर कंपनीज ने आपको दिए हुए हैं और वो मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं है, तो यस इट डज वर्क, लेकिन उसका जो आउटकम है इट्स अबाउट 10%। एग्जैक्टली वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। अच्छा लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने इंजेक्शंस लगाए या ट्रीटमेंट कराया तो एकदम से हमको बहुत ही गोरे निकल आएंगे, और ये ऐसा नहीं, ये एक ये जो है ना, देखें ये मैं किसी का यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट एनीथिंग, लेकिन अपना मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, यस
अगर जो आपको खुदा ने पिगमेंटेशन दी है वो तो आपको डीएनए में है, बिल्कुल है। ये अगर सारे समझ जाए हाँ। कि ये आपके डीएनए में है आपकी पिगमेंटेशन, तो आप उसको ही थोड़ा उसी को एंजॉय करें और उसको बेहतर कर लें, उसको बेहतर। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब हम लोग हाइड्रोफेशियल कर रहे हैं ना, इससे हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड आया है, क्योंकि आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। उसके बाद मैं सारों को कहती हूँ ओके अब आप कार्बन पीलिंग करवा सकते हैं, टोन आउट योर स्किन। लवली लवली लवली। नादिया चूंकि हमें ब्रेक भी लेनी, मैं चाहूंगी एक मैसेज हमारी पब्लिक को देना जो आप चाहें, और मैं कोशिश करूंगी कि इसके फाइनल रिजल्ट्स हम आपके साथ रिपीट में शेयर कर लें, लेकिन एक मैसेज हमारे देखने वालों के लिए। जैसे उर्मा ने मुझसे पूछा स्किन वाइटनिंग का, बिफोर आप जाके ये इंजेक्शंस करवाएं या उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, मेक श्योर कि आपको उसके नो हाउ, उसकी स्टडी का पता हो, इज़ इट इफेक्टिव। लेकिन जो खुदा ने आपको डीएनए दिया हुआ है ना, उसी से आपका कलर पिगमेंटेशन डिसाइड हुआ हुआ है। यस, वो डॉक्टर्स एंड एवरीबॉडी इन देयर प्रोफेशन वो कहेंगे कि भाई इतने आपको इंजेक्शंस चाहिए, उसका सिर्फ 10% अफेक्ट होगा, नॉट कि जहाँ पे आप बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। So the best thing to do is always do your facials, और उसको मंथ बेसिस पे रखें और आके वेलवेट स्किन केयर पे देखें। एग्जैक्टली, आपका गुलबर्ग 3 में इनका जनाब क्लिनिक है, आप इनको विजिट भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली अपनी स्किन का ख्याल रखें और हल्की प्रोजेक्ट्स पे ना प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल भी ध्यान है। गुलबर्ग 2 में, ठीक है, गुलबर्ग 2 में वेलवेट स्किन केयर। ओके लवली, थैंक यू वेरी मच नादिया, बहुत शुक्रिया, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, बड़ा जबरदस्त काम करिए। और नाजरीन, आप लोगों के लिए ये अच्छी टिप्स हैं कि अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल रखें और अच्छी प्रोडक्ट्स पर रिलाय करें।